डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हल्का, अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 1.06 रुपए इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 201.20 रुपए पर ट्रेड, स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान पर तवानाई के शोबे में सब्सिडी खत्म करने, पॉलिसी रेट में कम से कम 1% इजाफे और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी का दबाव, मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1 अरब की किस्त जारी होने का इम्कान। पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते, हुकूमत का IMF से मजीद वक्त लेने का फैसला। इमरान खान और शौकत रीन ने IMF से पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर कीमतें बढ़ाने का मुआहदा किया। माजी की हुकूमत हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हल्फन कहता हूँ शौकत रीन झूठ बोल रहे हैं, बताएं कहाँ पैसे छोड़ कर गए। मिफ्ता इस्माइल की दोहा रवानगी से पहले गुफ्तगू, वजीर खजाना के अली जैदी और उस्मान बुज़दार पर इल्जाम। मौजूदा हुकूमत हवास बाख्ता, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। सब्सिडी देने के लिए फंड्स मुख्तस किए थे इन्होंने, IMF से सब्सिडी कम करने का वादा किया। पहले तो इन्हें बारूदी सुरंगें नजर नहीं आ रही थी, अब क्यों आ रही हैं, शौकत तरीन का सवाल। सीमेंट फैक्ट्रियों के लाइसेंस मेरिट पर दिए इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर खजाना, झूठे इल्जामात की बजाय मईशत पर तवज्जो दें। इन्होंने चंद हफ्तों में मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, उस्मान बुज़दार का रद्देमल। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 0.75% इजाफे का इम्कान, इस वक्त शरह सूद 1.2% है। वज़ीरे आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल पर गौर। आम आदमी पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा, हमजा शहबाज की गरीब तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत। जिला शराने के जंगलात में लगी आग 13वें रोज भी बेकाबू, आतिशजदगी के बायस 35% हिस्सा जल गया। चिलगोजे और जैतून के दरख्त बुरी तरह मुतासर, पाक फौज भी इमदादी कामों में शाना बशाना, हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मुनहरिफ अरकान ने पंजाब असेंबली को डीनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मेम्बरान को Article 63A के तहत डीसीट किया। तहरीक इंसाफ की श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को दरखास्त, 25 मई को पुराम में मुजाहरा किया जाएगा, शुरका के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए जाएं, PTI की दरखास्त का मतन। PTI का हकीकी आजादी मार्च, इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील करने का फैसला, आज रात तमाम रास्तों को सील कर दिया जाएगा। इंतजामिया का दीगर सूबों से नफरी, FC और रेंजर्स को भी तलब करने पर गौर, सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल वजारत दाखिला में दी जाएगी। इमरान खान मौजूदा मुआशी बदहाली के जिम्मेदार, असरात कई सालों तक रहेंगे, मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वक्त लगेगा, एटमी पाकिस्तान गुलाम नहीं हो सकता। PTI की सोशल मीडिया टीम डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, वफाकी वजीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी राबता मुहिम नून लीग आज उकाड़ा में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, जलसे की तैयारियां जारी, शहर भर में बैनर्स की भरमार, मरियम नवाज और हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा, शाहीन शाफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल।